सबसे पहले हमारे यहाँ जो फर्स्ट यहाँ पर कंपटीशन हुआ वो पोइट्री का था, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो 5 और 6 क्लास तक के बच्चों ने जिसमें पार्टिसिपेट किया था। बड़ा अच्छा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा पढ़ा। तो सबसे पहले जो मैं पोजीशन अनाउंस करूंगी, दैट इज पोजीशन फोर्थ पोजीशन ली है 6 क्लास की बच्ची है फातिमा। वेयर इज फातिमा? नजरों से सबकी तारे गए, सकूने दिल किया नजरों से सबकी तारे गए, चमन में खिलते हुए जब से फूल मारे गए। हवाई मौत जरा देर किया इधर आई, हवाई मौत जरा देर किया इधर आई, कि मेरे हाथ से उड़कर मेरे गुब्बारे गए। ये क्या पोएट्री कंपटीशन में एक है मायशा रियाज क्लास 5, थर्ड पोजीशन मायशा रियाज क्लास 5 एंड मोर थर्ड पोजीशन, वन मोर थर्ड पोजीशन है माहिर नजाकर क्लास 5। पोएट्री कंपटीशन फर्स्ट पोजीशन गोज टू तैबा अर्शद क्लास 4। है बच्चों नवा अब का है अब देखे जा
के टू क्लास में पढ़ते हैं। अरशमान रियाज ने सॉन्ग पढ़ा था बाबा मेरे बाबा मुझको तुम याद आते हो। आज ये अरशमान फोर्थ पोजीशन गोज टू सिकंदर क्लास सेवन। जब बहुत से लोग दौड़ में भागते हैं, एक बंदा ऐसा होता है जो आगे निकल जाता है, ठीक है? तो अभी हम आते हैं हमारे छोटे बच्चों के 4-5 तक की क्लासेस के लिए स्पीच कंपटीशन हुआ। इसमें हमारे पास जो फोर्थ पोजीशन ली है वो कमल ने ली है, फोर्थ क्लास की कमल है। वेयर इज कमल? क्लैपिंग करें कमल के लिए। स्पीच कंपटीशन में थर्ड पोजीशन कुरतलैंड क्लास 4। सेकेंड पोजीशन गोज टू अनाया अब्बासी क्लास 4। एक तो हसन है 10th क्लास के, उनका नगमा था, अब याद ना हो रहने दो। रूठ चुके दिल टूट चुका अब याद ना हो रहने दो,
तुम रोट चुके दिल टूट चुका अब याद ना रहने दो इस महफिल गम में आने की सहमत ना उठाओ रहने दो। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना मोहम्मद अली जिना तस्वीर अज़्मे जान वफ़ा रूह हूरियत तस्वीर अज़्मे जान वफ़ा रूह हूरियत है कौन बेगुमां है मोहम्मद अली जिना। सेकेंड पोजीशन गोज टू लाइबा अर्शद क्लास 3-9 और उनका नगमा था जिस नगमे पर उन्होंने सेकेंड पोजीशन ली है वो है मैं खुदा को बताऊंगा। खून का जो कर्ज है हम यूं चुकाएंगे मिटाने आखिरी हद तक हम उस दुश्मन को जाएंगे शहादत पेश करने जो हमें जीना सिखाया है तुम्हारी दास्तां ने तो हमें यकजा बनाया है लहू से दीप जो तुमने शुजात का जलाया है मुस्किल नूर से दहशत की जुल्मत को मिटाएंगे ये गुलशन को बचाया है मुहाफिज़ अमन के हम हैं ये दुनिया को दिखाया है हमारे फूल से बचे शुजात के निशान ठहरे सितमगढ़ के लिए जो मौत ये जुड़ी जवान ठहरे इनकी जुर्रतों ने कौम को यकजा बनाया है मुहाफिज़ अमन के हम हैं ये दुनिया को दिखाया है मुहाफिज़ अमन के हम हैं ये दुनिया को इसने दोनों नंबर इससे अच्छे पढ़े लेकिन यह नगमा इससे ज्यादा अच्छा पढ़ा।
तो ओवरऑल अगर हम जोर से देखते हैं तो ये वाला कंपटीशन बॉयज ने जीता या गर्ल्स ने? गर्ल्स ने। बहुत शुक्रिया। आप प्लीज थोड़ी देर तशरीफ रखें। अब मैं दावत दूंगी इस कास्ट में आपको, वे हमारे दरमियान बैठे हैं, ये भी हमारी अब है स्पीच कंपटीशन की सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन गोज टू मुनाहिल रियाज क्लास 7। आज के जज साहिबान मोहतरम जनाब हाकम साहब और ज़फ़र साहब को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और बारी बारी यहां आकर अपने ख्यालात के इजहार करें और बच्चों की हौसला अफजाई करें। जय
बहुत खुशी हुई है और मैं समझता हूँ कि ये सलाह के लिए खुशकिस्मती है कि इतना अच्छा इदारा यहाँ इस इलाके के अंदर मौजूद है जो आपको बेहतरीन बच्चों की रहनुमाई और तालीम दे रहे हैं। और आज का करना होता तो मैं दिल करता कि यहाँ बैठ के मजीद हम प्रोग्राम को देखें। तो मैं सब बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था और अदायगी भी बहुत अच्छी थी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मजीद कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह।